ट्रू मीडिया। गुनगुनाओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, ऐसे खामोश बैठे रहने से क्या फायदा, एक बार एलकेपीएस टीम के लिए तालियां बजाओ तो कोई बात बने। सबसे पहले आए हुए सभी ऑनरेबल गेस्ट का और सभी पेरेंट्स का मैं संतोष टंडन तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज एक ड्रीम, एक सपना, शायद एक चैलेंज भी हो सकता है, एक किसान का बेटा क्या कर सकता है। जैसे कोई चाय वाला पीएम बन सकते हैं, तो एक किसान का बेटा इतने 60 बीघे में इतना शानदार स्कूल बना सकता है, तालियां बजा सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं। इस अच्छी सोच के लिए संजय सर के लिए तालियां बजा सकते हैं। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक बार तालियां बजा सकते हैं कि आज इस शुभ घड़ी का अनावरण, बहुत रात जागे हैं इस सुबह के लिए, तो एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आदरणीय संजय सर को और उनके तमाम टीम को, एलकेपीएस गोमत को की कल्पना रखा है, जिन्होंने इस स्कूल का निर्माण किया है, हमारे फाउंडर सर। महिमा चौधरी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आज एक छोटा सा स्कूल था, आपके आने से थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले अतिथियों का स्वागत करते हैं हम अपने अंदाज से, तो सबसे पहले फ्लावर वेट करके, यानी कि ज्योति मैम का पूरा हाथ रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा फ्लावर के बुके के साथ स्वागत करेंगे हमारे आज महिमा चौधरी जी का। आराम से भैया, आराम से। एक बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं, ऐसे तो कहा जाता है कि कोई भी सेलिब्रिटी ऐसे नहीं आता, लेकिन आपके प्यार में दम होना चाहिए, आपके रिश्ते में विश्वास होना चाहिए कि आप बॉलीवुड से भी किसी को बुला सकते हैं। तो एक किसान का बेटा इतने बड़े स्कूल की स्थापना किया है, मैं थैंक्स करूंगा कि इस किसान के बेटे के सपनों को उड़ान देने के लिए आदरणीय मैं प्रभाकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आगे आए प्लीज। और इस ऐतिहासिक पल में आपने अपना कीमती समय दिया है, वंस अगेन खिल उठी हर कली और भवरे गुनगुनाई। नमस्कार, और संजय चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम किया है आपने। अभी जो ज़्यादातर माँ बाप हैं वो एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा, जो पढ़ाई है वो अच्छी हो जाए, तो बहुत खुशी हुई कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं इनको थोड़ी देर पहले यही बोल रही थी कि आपके इस स्कूल से ना कि मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर, पर यहाँ से मतलब सचिन तेंदुलकर भी निकले, अमिताभ बच्चन भी निकले, शाहरुख खान भी निकले, और मतलब हर चीज़ में, खेल कूद में, ओलंपिक्स में, यहाँ पे तो हमारे देश में लड़कियों ने बहुत नाम रोशन किया। मित्र आदरणीय प्रभाकर सर हमारे बीच उपस्थित हैं, थैंक यू। सबसे पहले मैं संजय चौधरी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस समाज सेवा के लिए एक ऐसे कदम का कर बढ़ाया है जिससे नई पीढ़ियां तैयार होती है। मैं दिल्ली में था, मेहमा जी से बात हुई तो मेहमा जी ने कहा कि बच्चों के स्कूल का एक कार्यक्रम है, आपको भी साथ चलना है। समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि जो मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तो मचल के सामने आ,
मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। तो हमारे घर के भांजे हैं संजय सर के, उनकी एक सॉन्ग भी रिलीज। बहुत खूब। और छोटे भाई दिखाई नहीं दे रहे मुझे संजय सर के, मैं निवेदन करूंगा पीछे है तो आगे आ जाए प्लीज सर। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, प्रवीण सर। सबसे पहले प्रवीण सर, प्रवीण सर, राम और लक्ष्मण, मैं हमेशा आता हूं इनके शो में तो मैं जाता हूं, एक राम है तो दूसरा लक्ष्मण है। आसवां समील मैम जो कि पूरा पूरा सारा जी, खुद इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। धर्मपाल मास्टर जी, निवेदन करूंगा तालियों से इनके लिए। ठेकेदार साहब जगदीश, ठेकेदार साहब कृपया मंच पे आए। इस जी जी शिवनाथ कहते हैं हमारा, राकेश जी, राकेश जो कि हमारे भाई भी हैं, पप्पू प्रधान जी जो कि हमारे गोमत के प्रधान जी हैं, उन पप्पू प्रधान जी आपका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। अजय मैम आप इधर आ जाइए, मैं बहुत संतोष जी आपके बारे में कुछ कहूं। अच्छा आप तो देख ही रहे हैं कितना प्यारा सा बच्चा है, कितनी मेहनत कर रहा है और जो काम लेता है दिल से करता है, ये पूरा प्रोग्राम संभालना और सबको उतनी ही इज्जत से बुलाना और किसी को बिना बुलाए ना छोड़ना, तो आपने बहुत अच्छा संभाला, बहुत अच्छा लगा, तो आपके लिए भी शाबाशी देना चाहूँगी। और बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद देने के लिए खुद बॉलीवुड से यहाँ तक आई हैं, तो हम सभी का भी एक फर्ज बनता है। अतिथि देवो भव, भगवान के रूप होते हैं अतिथि मेहमान, तो आज आप हमारे स्कूल के लिए इतनी मंगल कामना कर रहे हैं, एक छोटा सा नजराना हमारे LKPH टीम की तरफ से आपके लिए है, इसे स्वीकार करेंगे। और एक और स्पेशल गिफ्ट है हमारे संजय सर के लिए, जिस स्कूल की एक छोटी सी नींव हम देख पा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा आर्ट सिटी इंडिया जो कलाकारों का वेबसाइट है, मेरे बड़े भाई है मिस्टर JK, एक छोटा सा देखते हैं इसमें क्या है, पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। एक बार तालियों के साथ शर्मा जी ऊपर आए, BK शर्मा जी आप फेसबुक से भी आ सकते हैं। पूरा बिल्डिंग जब बनकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होगा, ये हमारे तमाम मीडिया कर्मी हैं, हमारे सारे मित्रगण हैं, मैं भी आ जाता हूं, मेरी भी सेल्फी हो जाएगी। कितनी बस्ती है अलीगढ़ में, हाँ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये हमेशा याद आए ये छोटा सा नजराना। प्लीज तालियों से एक बॉलीवुड के स्टार दूसरे स्टार को सम्मानित करते हुए, ट्रू मीडिया की तरफ से एक मैगजीन भेंट किया प्रकाश प्रजापति जी, मैम एक छोटा सा नजराना है आपके लिए, ट्रू मीडिया की तरफ से इसे कबूल करेंगे। एक व्यक्ति विशेष निकालते हैं, इन्हें रिकॉर्ड मिला है, इंडिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर भी हैं, ओम प्रकाश प्रजापति जी दिल्ली से आए हैं, बहुत सारे पत्रकार। इधर देखिएगा सर, देखिएगा जी सामने,
टच करके मैम। गुरु जी कहाँ हैं? मैम इधर देखिए। अच्छा लुक कीजिए। तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है जब ऐसे करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और चौधरी हैं और चौधरियों में अक्सर हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। मैंने भी थोड़ी पढ़ाई कर ली, इन्होंने भी पढ़ाई कर ली, तो हम लोगों का थोड़ा एक वो है। बट शाबाशी देना चाहूँगी कि चौधरी होते हुए आपने इतनी पढ़ाई कर ली। अब तो खैर सभी अपने बच्चों को बहुत पढ़ा रहे हैं और सब लोग ध्यान भी दे रहे हैं। और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि स्कूल में हर किस्म की तालीम मिलेगी, चाहे आप खेल कूद में हों, पढ़ाई में हों, हर चीज़। जो आजकल का जो माहौल है, बच्चे पढ़कर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर्स, या मतलब कुछ चंद पहले एम्बिशंस होते थे कि मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा। आज आप बड़े होकर कुछ भी बन सकते हैं। जिसको खाना बनाने का शौक है वो बहुत बड़ा शेफ भी बन सकता है, संजीव कपूर भी बन सकते हैं, और जिसको चुटकुले सुनाने का शौक है वो कपिल बन सकते हैं कॉमेडी नाइट विद कपिल, जिसको गाने का शौक है वो कुछ मतलब खेलने का कुछ भी, जिसमें आपको शौक है उसमें आप अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा दें। और ये भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं। आज भी इन्होंने एक जो मुद्दा रखा अपने जो परफॉर्मेंस का, डांस परफॉर्मेंस का, वो यही था कि बच्चियों को जो हम मतलब पेट में ही जो मार देते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब पेरेंट्स को, सभी माता पिताओं को ये हिम्मत दे रहे थे उस कार्यक्रम के द्वारा कि आप अपनी लड़कियों को साथ दें, वो ही आपका, जैसे आप अपने लड़के के ऊपर बुढ़ापे के लिए डिपेंड करते हो, वो लड़कियां आपको सहारा देंगी। मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं अभी तक, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि और भी मेरी जैसी लड़कियां हैं जिस जो मतलब हमेशा से लड़कों माता पिताओं की ख्वाहिश होती थी कि हमारा लड़का हो बुढ़ापे का सहारा, हो लड़कियाँ भी बुढ़ापे का सहारा हो सकती हैं। मेरा नाम संजय सिंह, मेरे पापा का नाम श्री बच्चू सिंह, और मैं यहीं गौमत अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं जी। और मैं एक किसान का बेटा हूं। शुरू में मैं ट्यूशन पढ़ाता था और वो धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते स्कूल की स्टार्टिंग की, छोटा स्कूल खोला, और फिर मन में एक इच्छा थी कि एक कुछ अलग किया जाए, यानी समाज के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ये मैंने आज से 10 साल पहले सोचा, और 8 फरवरी को सॉरी फरवरी 2008 को ये मैंने अपनी डायरी में नोट किया कि मुझे एक ऐसा स्कूल बनाना है जहां हम बच्चे एक ईमानदार डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर तैयार कर सकें। और उस फरवरी 2008 से आज तक अपनी सारी परेशानियों को साइड में रखते हुए मैं लगातार कोशिश करता आ रहा हूँ। आपका जो ये मिशन है, उस मिशन में कौन कौन से ऐसे साथी जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया? मेरा सबसे पहले जो साथ दिया, मेरे दोस्त प्रवीण जी, मेरे दूसरे दोस्त नरेंद्र जी, अश्वा मैम, मेरी पत्नी ज्योति चौधरी, मेरे भाई और मेरा LKPS परिवार, इन्होंने, और मेरे बड़े भाई विजेंद्र चौधरी भी यहाँ हैं। तो इन सभी का अगर कोऑपरेशन मुझे नहीं मिलता तो हकीकत में LKPS नहीं होता, ये मैं महसूस करता हूँ। कहा जाता है शिक्षा के बिना इंसान जानवर के समान है, और पिछले मैं 10 सालों से लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल से जुड़ा हूँ। मेरा नाम है संतोष टंडन और बाय प्रोफेशन मेरा एंकरिंग का जॉब है, जो मैं इतने सालों से लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल को जानता हूँ। आज लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक अलीगढ़ जैसे छोटे से कस्बे में आज हम सभी
गोमत में एक नए स्कूल का अनावरण यानी कि इनॉग्रेशन के मौके पर हम सभी उपस्थित हैं। आज बहुत सारे बच्चों को एक नया मुकाम देने के लिए एक शानदार स्कूल बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुके हैं। संजय सर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं और हमें गर्व होता है कि मैं भी इनकी सफलता का छोटा सा हिस्सा हूँ। आज हमें भी गर्व होता है कि लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल ने इतने कम समय में एक किसान का बेटा क्या कर सकता है। बहुत सारे कम लोगों को अंदाज़ा होता है कि कोई किसान का बेटा क्या कर सकता है। किसान का बेटा होते के साथ साथ संजय सर ने एक टीम बनाई अच्छे टीचरों की और आज लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारी पहली ब्रांच 2002 में अर्थला में उद्घाटन किया गया जहां सिर्फ दो कमरों से लिटिल किंगडम की शुरुआत हुई है। वहां बच्चों को ट्यूशन फ्री में पढ़ाया करते थे और उसके बाद धीरे धीरे डबल स्टोरी बिल्डिंग भी बन गया। और इसके अलावा इनकी दूसरी ब्रांच जो कि साहिबाबाद में अच्छे तरीके से रन कर रही है। और उसके बाद इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि क्यों ना अपने गोमत में एक अच्छे स्कूल का निर्माण किया जाए। वैसे तो लोग दिल्ली में या NCR में बड़े स्कूल बनाते लेकिन इन्होंने अपने होम टाउन को चुना जहां इनकी मातृभूमि रही है। इसमें साथ दिया इनके पापा जी ने, इनके गुरु जी ने और इनके पूरे परिवार ने। एक कहीं ना कहीं डेडिकेशन झलकता है कि अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी हो सकता है।